अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हो और इफ स्टेटमेंट में आप डिफरेंट किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर कैसे काम करते हो। तो इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है और डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे आप उन पर काम कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे। इसके लिए मैं एक कोड ब्लॉक ओपन करता हूं जो कि सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट में जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट काम करेगी, आपका जो भी अपने आउटपुट में आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन में शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो वो आपके स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं करेगा। तो आज के लेसन में इसी चीज के ऊपर हम काम करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसके लिए सबसे पहले आपने इफ लिखना है, यहां पे अपनी कंडीशन लिखनी है, टेस्ट कंडीशन। ओके, टेस्ट कंडीशन के बाद यहां पे अपने कर्ली ब्रेसेस हैं जो स्टार्ट करने हैं, जिसके अंदर अपने काम करने हैं। ओके, अब यहां पे जो सी आउट में दूंगा, सी आउट है वो मैं शो करना चाह रहा हूं, आई लव पाकिस्तान। ओके, अब इसके लिए आपको कंडीशन, जब भी आपकी कोई भी कंडीशन हम जब टेस्ट करेंगे तो इसमें आपको बताऊंगा, जब भी इसमें मैं जो है तो ट्रू स्टेटमेंट लिखूंगा तो फिर मेरे पास तब ये जाके मेरे पास ये जो प्रोग्राम जो कुछ मैंने लिखा है ये सामने डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। अदरवाइज अगर मैंने फॉल्स कंडीशन लिखी हुई है तो उससे ये सामने डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए आप देखते हैं, काम करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इसको रन करता हूं स्टेटमेंट को। अब ये रन करेगा। ओके, आई लव पाकिस्तान यहां पे देखें लिखा हुआ आ गया, आई लव पाकिस्तान। यस, अब मैं चाहता हूं, अब मैं इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूं 5 इज लेस देन 3। अब ये क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, 5 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, 3 से वो बड़ा है। इस कंडीशन में देखते हैं ये क्या करते हैं। इस कंडीशन में इसमें देखें आपने इसने कुछ भी शो नहीं किया ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर इसने कुछ भी शो नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास काम कर रही है और इफ स्टेटमेंट का जो काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन में आपके पास सामने आपका जो रिजल्ट है वो सामने डिस्प्ले करती है, जबकि फॉल्स कंडीशन में रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करती। अब इसमें और डिफरेंट किस्म के और भी हम जितने भी इसके ऑपरेटर हैं सबको यूज करते हैं। एफ इज इक्वल टू 3 देखते हैं। ओके, यहां पे इसने एरर दी है क्योंकि इक्वल टू के लिए आपने डबल टाइम आपने ये इक्वल टू डालना होता है। अब यहां पे करें तो ये इसके इक्वल नहीं है। ओके, एफ 5 जो है 5 इज इक्वल टू लेस देन 3 क्यों, क्योंकि पहले आपने क्या करना है लेस देन डालना और फिर आपने इक्वल टू डालना है। ओके, लेस देन इक्वल टू 3। ओके, यस, क्योंकि 5 जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 5 3 से बड़ा भी है और इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो ये सामने डिस्प्ले करेगा। यस, अगर 5 इज लेस देन
इक्वल टू 3 कर दें, देखिए कंडीशन से सामने नहीं लिखी हूं, 5 3 से छोटा नहीं है और ना ही इसके इक्वल है. ओके 3 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 करते हैं. अब इसमें इक्वल तो है इसके दो कंडीशन में, एक तो है इक्वल टू है, तो देखेंगे सामने आपको डिस्प्ले कर दिया इसने आईएलएफ पाकिस्तान. 5 इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए आप ये एक्सप्रेशन का साइन डालेंगे, नॉट इक्वल टू 3, यस कंडीशन. ओके 3 के इक्वल, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन सही. ओके तो ये डिफरेंट किस्म के इसके लिए ऑपरेटर्स यूज हुए, आप ये चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सारे सारे ऑपरेटर्स जो आपने मैंने से पहले आपको दिखाए थे. इसके अलावा अगर आप इसमें कोई दो किस्म के दो वेरिएबल आप डालते हैं, डालने के बाद उस पर भी काम कर सकते हैं आप, तो वो उस पर काम करता हूं मैं. उसके लिए मैं यहां पे int a एक वैल्यू साइन करता हूं, a की जो मैं वैल्यू दे देता हूं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 44, int b इज इक्वल टू 60. ओके अब इस पर काम करते हैं. If a is greater than b, a अगर greater than b, a अगर b से बड़ा है तो फिर ये कंडीशन मेरे पास सामने है. ओके इसके आगे मैंने साइन नहीं डाले. ओके तो a जो है मेरे पास वो b से बड़ा नहीं है, छोटा है, उसके लिए आप देखें यहां पे मैं करता हूं a इज लेस देन, अगर करता हूं मैं a इज लेस देन b, यस कंडीशन मेरे पास ट्रू है, तो इसने डिस्प्ले कर दिया. इसमें भी आप इसी तरह a इज ग्रेटर देन b कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b. अब इसके बराबर तो नहीं है, देखते नो इसने यहां पे मैं रिजल्ट सामने शो नहीं करवाया, डिस्प्ले नहीं करवाया. और इसके अलावा आप यहां से a इज इक्वल टू ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ओके a इज लेस देन इक्वल टू b करें, करके आप देख सकते हैं. उसके अलावा यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूं a b को चुने, मैं करता हूं जी यहां पे a इज ग्रेटर देन, अब a 44 है, मैं चाहता हूं a बड़ा है किससे, 30 से, मीन 44 30 से बड़ा है, यहां पे 30 लिख देता हूं मैं और यहां पे इसको रन करके देखता हूं. ओके आई लव पाकिस्तान, तो इस कंडीशन में भी ये काम करेगा. आपने अगर वैल्यू दी भी है फिर भी अगर आप अलग से वैल्यू देना चाहें तो आप दे सकते. अब इसी तरह मैं यहां पे चाहता हूं जी b इज ग्रेटर देन 3, b जो है तो 3 से बड़ा है, 30 से, यस बड़ा है. ओके अगर मैं कहता हूं कि 30 इज ग्रेटर देन b, तो इसमें भी देखें इसने शो नहीं किया, क्योंकि 30 जो है वो b तो 60 के इक्वल है, तो b तो हमारे पास जो है तो 60 के इक्वल है, तो 30 b से बड़ा नहीं है, छोटा है. तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, इन सारी कंडीशंस में आप इस पे काम कर सकते हैं. तो ये इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में हम इसके और भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं काफी सारी, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसमें और भी काम करेंगे और भी हम इसमें कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.